अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ डॉक्टर हिरा अलवी। आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। डार्क सर्कल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं और अक्सर ही मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें डार्क सर्कल्स हैं और हमें उसका ट्रीटमेंट बता दें। लेकिन डार्क सर्कल्स ना तो किसी एक कॉज की वजह से होते हैं और ना ही उसका कोई एक ट्रीटमेंट होता है। सो वन बाय वन आज हम सारे मेजर कॉजेज़ डिस्कस करेंगे और उन कॉजेज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। द फर्स्ट कॉमन कॉज इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब ये है कि किसी एरिया पर डार्कनिंग हो जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू द सराउंडिंग स्किन। हम एशियंस के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है ये चीज़। सो हाइपर पिगमेंटेशन के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द रीसेंट ऑनसेट हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि किसी स्ट्रेस की वजह से या स्लीप डेफिसिट की वजह से होती है। ऐसे केसेस के अंदर या तो लाइफस्टाइल चेंज कर लेने से भी डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाते हैं कि आप अपनी नींद पूरी करें एंड स्ट्रेस रिड्यूस करें, तो उसी से भी ये ख़त्म हो जाती है। अदर देन दैट, जो कैफ़ीन सीरम्स आते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, यू कैन यूज़ देम अराउंड योर आई एरिया और वो उस हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर देती है। अदर देन दैट देर आर ब्राइटनिंग क्रीम्स दैट यू कैन यूज़ अराउंड your eyes। Now ब्राइटनिंग क्रीम्स आँखों के लिए भी आती हैं लेकिन ऑल ओवर द फेस वाली भी होती हैं जो कि आप आइज़ के अराउंड अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपने देखने हैं दैट इज़ विटामिन सी, नाइसिनामाइड एंड हाइड्रोक्विनोन। ये सारे के सारे स्किन लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो कि डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देते हैं। द सेकंड रीज़न फॉर हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड द आइज़ इज़ द जेनेटिक डार्क सर्कल्स। जेनेटिक डार्क सर्कल्स वो होते हैं जो कि हमेशा से प्रेजेंट होते हैं एंड दे रन इन योर फैमिली। सो उनको ऊपर कोई भी टॉपिकल ब्राइटनिंग क्रीम्स लगाने से उन पर फ़र्क नहीं पड़ता है। देर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल, जिसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है दैट इज़ दी नैनोफैट ग्राफ्टिंग। सो फैट ग्राफ्टिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंड नैनो फैट एक ऐसी टाइप होती है फ़ैट की जो कि आपकी अपनी बॉडी से ली जाती है और फिर उसको इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि उसके अंदर स्टेम सेल्स रह जाते हैं। नाउ स्टेम सेल्स आर समथिंग कि जिसको आप जिस जगह पर इंजेक्ट करते हैं वो उस जगह पर उसकी अच्छी ग्रोथ कराता है। सो इफ़ देयर इज़ डार्कनिंग अराउंड द आइज़, तो अगर आप नैनो फैट वहाँ पर इंजेक्ट करते हैं तो वो आइज़ की डार्कनिंग को इम्प्रूव कर देता है। बट अगैन जेनेटिक डार्क सर्कल्स को 100% ट्रीट नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर साथ साथ हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी ऐड कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इज़, आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो एंड आई एम लिंकिंग इट अप हियर। उसको भी देख लें। उसको ऐड करने की वजह से ये डार्क सर्कल्स इंप्रूव होते हैं। द सेकंड कॉमन कॉज जो कि बहुत से लोगों के अंदर होती है दैट इज़ पफिनेस अराउंड द आइज़। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने ज़्यादा सो लिया एंड मुँह के बल सोए रहे, उसकी वजह से आँखों के अराउंड पफिनेस आ जाती है। फिर कुछ लोगों के अंदर कभी बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खा लें तो उसके बाद दिन पफिनेस आ जाती है। ये वो पफिनेस होती है जो रिवर्सेबल होती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि उसकी वजह से डार्क सर्कल्स कैसे लगते हैं कि लाइट जब उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट करती है, स्पेसिफिकली अंधेरे में शाम के बाद जब समटाइम्स उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो एक अपीयरेंस देती है डार्क सर्कल्स की और आपकी बड़ी एक टायर्ड लुकिंग सी फीलिंग आती है। सो पफिनेस को ट्रीट करने का तरीका ये होता है कि जब आप सुबह में उठें तो यू कैन टेक एन आइस पैक, जिसको आप ऑल अराउंड द आइज़ रब कर सकते हैं या हल्का हल्का सा पैट कर सकते हैं, जिससे पफिनेस रिड्यूस हो जाती है। नो इफ़ यू डोंट हैव एन आइस पैक, सिंपली एक आइस क्यूब लें, उसको एक कपड़े में बांधें, डायरेक्ट नहीं लगाना। उसके साथ आपकी जो पफिनेस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा जेड रोलर्स होते हैं, उनका भी यही काम होता है। फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए एंड देन व्हेन यू पुट देम अराउंड द आइज़ तो एक कूलिंग इफेक्ट से वो ठीक हो जाती है। देन द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के नमक वाली चीज़ें कम खाएं और ये सब कुछ होता है। फिर पफिनेस की एक और रीज़न होती है एंड दैट इज़ द फैट पैड्स। हमारी फेस के हर एरिया में होते हैं और टाइम के साथ साथ वो हर चीज़ सैग करती है एंड समटाइम्स फैट पैड्स जो कि हमारी आँखों के नीचे होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि जिस नेचुरल जगह पर वो पड़े होते हैं वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं। नाउ दैट इज़ अ कॉज जिसको अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट ट्रीट विद द नॉन इन्वेजिव्स या विद द टॉपिकल्स। उसका ट्रीटमेंट यही होता है कि उस फैट पैड्स को रीपोजिशन करना होता है। नाउ इसके ऊपर आप जेड रूलर यूज़ करें, इसके ऊपर आप आइस पैक यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ करें, ये ठीक नहीं हो सकता है। सो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है दैट इज़ थ्रू सर्जरी एंड दैट इज़ डन बाय प्लास्टिक सर्जन्स। इट इज़ नोन एज लोअर लिड ब्लेफारोप्लास्टी। उसके अंदर हम हम आई लैशेस के नीचे एक छोटा सा इंसेशन देते हैं विच इज़ इनविजिबल लेटर ऑन, या फिर आपको कंप्लीट बेहोशी में किया जाता है और आंख के अंदर एक इंसेशन दिया जाता है और जो फैट के पैड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं उनको वापस अपनी जगह पर रख दिया जाता है। एंड देन देयर इज़ सम एक्स्ट्रा स्किन जो कि आपकी आँख के नीचे अगर होती है तो उसको भी पिंच करके निकाला जा सकता है, बट नॉट इन एवरी पर्सन। सो दिस इज़ अ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर द फैट पैड्स और उसकी वजह से एक जो बहुत टायर्ड लुकिंग सी फीलिंग आती है, जो डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस आती है, वो परमानेंटली डिमिनिश हो जाती है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द थिनिंग ऑफ द स्किन। जैसे मैंने पहले बताया है कि आईज़ के नीचे की स्किन सबसे ज़्यादा थिन होती है बॉडी में। सो विद कॉलेजन डिग्रेडेशन, जैसे जैसे एजिंग के साथ कॉलेजन कम होती है वो और थिन आउट हो जाती है, एंड थिन आउट होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस ज़्यादा हो सकती है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि एक चीज़ थिन आउट हो गई है तो उसको थिकन करना उसका ट्रीटमेंट है, एंड द बेस्ट थिंग आउट देयर टू थिकन द स्किन दैट इज़ टॉपिकल रेटिनॉइड। नो टॉपिकल रेटिनॉइड सारे फेस के लिए भी आते हैं लेकिन आई के अराउंड के लिए अलग से भी आते हैं। सो यू कैन यूज़ देम अराउंड द आईज़ और उसके साथ साथ ये स्किन थिकन अप हो जाती है और अपीयरेंस ऑफ डार्क सर्कल्स कैन डिमिनिश एंड द क्वालिटी ऑफ स्किन ऑल्सो इम्प्रूव्स। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वर्क्स ओवरनाइट। आज आपने लगाया एंड सुबह यूज़ किया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि 4 से 6 महीने का कंसिस्टेंट यूज़ है और उसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। बहुत हद तक ये फाइन लाइन्स को रिवर्स करता है, इवन रिंकल्स की अपीयरेंस को भी कम करता है, थिनिंग ऑफ स्किन को भी इम्प्रूव करके स्किन को थिकन अप करता है, बट डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स दैट सर्जिकल प्रोसीजर्स गिव यू बिकॉज टॉपिकल क्रीम्स हैव देयर लिमिटेशंस, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग आउट देयर दैट यू कैन यूज़। सो दीज आर द 3 मेन कॉजेज़ ऑफ डार्क सर्कल्स एंड हर एक का ट्रीटमेंट ऑप्शन फ़र्क है और मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है कि क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं एंड हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ़ योर डार्क सर्कल्स। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। कोई क्वेश्चन एंड कॉमेंट्स हैं तो डू comment down below. I will try to answer all of you guys. I will see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.